आज है सैटरडे 19 अगस्त और इस वक्त मैं हूँ नैनीताल में, और बिलीव मी नैनीताल पूरा खाली पड़ा है। सो वेलकम टू चैनल विक्स ट्रैवल फिल्म्स। आज एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल को इस ऑफ सीजन में, इस मानसून के सीजन में। और बताता हूँ आपको कि आप अगर इस ऑफ सीजन में नैनीताल विजिट करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट रहते हैं। सबसे पहली बात तो भीड़ बहुत कम मिलेगी। करते हैं एक्सप्लोर। तो सबसे पहले तो आप सामने का नज़ारा देखो आप। ओहो, कितना खूबसूरत लग रहा है नैनीताल। मानसून में नैनीताल की बात ही कुछ अलग है। ये है नैनीताल की सबसे बिजी रोड, लेकिन आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से खाली है। बस जितने हैं वो सारे लोकल हैं, या अगर होंगे तो हल्द्वानी वाले होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ नंदा देवी मंदिर के पास, और आपको लगेगा ही नहीं कि आप नैनीताल में हैं, क्योंकि इतना खाली नैनीताल दिखता नहीं है वैसे। तो इतना सुकून है ना नैनीताल में अभी मानसून के टाइम पे, क्योंकि हर जगह सब कुछ खाली है, लोग नहीं हैं, और सामने मौसम देखो यार। सो अगर आप लोग ये सोच के नहीं आ रहे हैं कि बारिश हो रही है या ये प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं तो बोलूँगा आप आइए नैनीताल यार मानसून में, ट्राई कीजिए। आपको जो फील होगा यहाँ पर नैनीताल का वेदर, नैनीताल का जो क्लाइमेट है, और कम लोग दिखेंगे तो आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे नैनीताल को। अब ये सामने देखो और महसूस करो इन बादलों को जो ताल को छू रहे हैं, और क्या खूबसूरती नज़र आ रही है सामने। कुछ ऐसी नज़र आती है मॉल रोड अगर आप ऑफ सीजन में आते हैं तो। मैं वॉक कर रहा हूँ मॉल रोड पे, और मॉल रोड इतनी खाली आपको और किसी सीज़न में नहीं मिलेगी। होटल के रेट गिर चुके हैं अभी ऑफ सीज़न के टाइम पे। तो ये है नैनीताल ऑफ सीज़न में, ये मानसून के टाइम पे। तो फिर मैं बोल रहा हूँ, अगर आप नैनीताल आते हैं, आपका प्लान है, तो आप ट्राई कीजिए एक बार इस ऑफ सीजन में आने का, क्योंकि इस टाइम पे एक तो आपको भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी और होटल के रेट बहुत नीचे हैं इस टाइम पे। तो अगर आपका प्लान है अपनी फैमिली के साथ, आप आइए नैनीताल, एंजॉय कीजिए और सुकून से इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। होटल्स, अगर आपको होटल्स की डिटेल्स चाहिए तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, मैंने होटल्स पे पूरी सीरीज की है नैनीताल की, उसमें ऑफ सीजन और ऑन सीजन दोनों के रेट हैं। तो आप रूम देख के, होटल देख के अपना होटल बुक कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं नैनीताल को। अभी चलते हैं ऊपर चीना पीक, और वहां से देखते हैं एक नैनीताल का एक एरियल व्यू लेते हैं, और फिर करेंगे इस वीडियो को खत्म। चलो चीना पीक। अगर आप नैनीताल में हैं और एक एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो आपको ये 3 किलोमीटर का ट्रैक जरूर करना चाहिए नैनीताल में। इसका नाम है नैना पीक, या इसे चीना पीक भी बोलते हैं। ये है सिर्फ 3 किलोमीटर का, एक जंगल की ट्रेल जाती है, बहुत खूबसूरत ट्रेल है। फॉलो करते हैं इस ट्रेल को, नैना पीक, चीना पीक को। चलते हैं ऊपर, और वहाँ से मैं आपको एरियल व्यू दिखाऊंगा पूरे नैनीताल का। ये ट्रैक है तो वैसे 3 किलोमीटर का ही, लेकिन इसे लगातार चढ़ाई है तो ये एग्जॉस्टन होता है काफ़ी, और दूसरा ये घास में ना जोक बहुत है, तो
कि जो मैंने कार्गो ऊपर किया उसका रीज़न यही है, क्योंकि कब वो आपके पाँव में चिपकेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान करके चलना, क्योंकि मैं मुझे मालूम है आगे जाके अगर मैं चेक करूँगा तो मेरे पाँव में एक जो पक्का चिपकी होगी। आओ चलते हैं पहुँचने वाले टॉप पे। तो 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद आप यहाँ ऊपर पहुँचते हैं। ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चाय की दुकान, और वैसे तो आज ये बंद है लेकिन सीज़न के टाइम पे खुली रहती है, तो इस टाइम पे यहाँ पर चाय वगैरह आपको मिल जाती है। बाकी सामने है चीना बाबा का मंदिर, जिनके नाम पे इस पीक का नाम चीना पीक रखा गया है। इट्स नॉट चाइना पीक, जिसे बहुत लोग चाइना पीक बोलते हैं नैनीताल में, ये चाइना पीक नहीं है, इट्स चीना पीक। तो ये है श्री सिद्ध चीना बाबा का मंदिर, और इन्हीं के नाम पे रखा गया है इस पीक का नाम चीना पीक, जहां से पूरा नैनीताल आपको दिखता है। जय बाबा की। तो बस अब पहुंचने वाले हैं उस जगह जहां से पूरा नैनीताल का 360 डिग्री व्यू मिलता है। ये है चीना पीक। मौसम हाय हाय, आज तो मौसम ने बहुत साथ दिया है। सो मौसम बहुत अच्छा है नैनीताल आने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अब ऑफ सीजन चल रहा है, नैनीताल घूमिए, ये ट्रैक को एक्सप्लोर कीजिए चीना पीक, और यहाँ से आगे 360 डिग्री व्यू नैनीताल का। नैनीताल में 3 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप कुछ एक ऐसी लोकेशन पर पहुंचते हैं जो है 2611 मीटर पे, और ये है हाईएस्ट पीक नैनीताल की। ये है चीना पीक, जिसे अब नैना पीक भी बोलते हैं, और यहाँ से नैनीताल आपको कुछ ऐसा नज़र आता है जो किसी जन्नत से कम नहीं है। और बारिश के मौसम में तो ये जो बादल हैं ये भी बिल्कुल नीचे हैं, आप इनको महसूस कर सकते हैं, और इतना खूबसूरत है, मतलब इस जगह पर आने पर ना आपका नैनीताल ट्रिप कम्प्लीट है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर पे, अगर आप नीचे से ट्रैक स्टार्ट करते हैं और यहाँ आना आपका बनता है। एंजॉय कीजिए नैनीताल का ये व्यू। तो ये था नैनीताल का व्यू, नैनीताल का नज़ारा मानसून सीज़न में। बहुत लोग इस डाउट में रहते हैं कि नैनीताल आना चाहिए नहीं आना चाहिए, अरे मैं बोल रहा हूँ आओ यार, यही तो सीज़न है जब आपको लोग कम मिलेंगे, होटल सस्ते मिलेंगे, चीज़ें आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे, और बारिश और इस वेदर का और ये जो व्यू है इसको आप इंजॉय कर पाओगे। तो आप आइए नैनीताल आराम से, और होटल की इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, नंबर्स हैं, होटल के रूम्स हैं, आपको लोकेशन पता चल जाएगी, वो सारी आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलेगी। और अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, सो टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विक्स ट्रैवल फिल्म्स, इंस्टाग्राम पे vix_travelfilms कनेक्ट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है वहाँ पर DM कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।